यूज हो जाती है। वो अगर वही पाई जाती है 120 सामान्य होती है और 180 तक खाना खाने के बाद। ये दो चीजें आप याद रखें, 120 खाली पोट निहाल यानी खाना खाने से पहले और 180 खाना खाने के बाद डेढ़ घंटे बाद। तो ये जो है आफ्टर मील खाना खाने के बाद की सुगर, ये दो चीजें आप सामान्य याद रखो। इससे ज्यादा गोलगप्पे तो खा लिए आपने, लेकिन जो उसका पानी है वो घोल करके पिला रहा, उसी में नाक भी टपका रहा और पसीना भी टपका रहा। आप लोगों का ग्राह बढ़िया, अगर वही पानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए लेंस से, तो उसमें हजारों ग्रेड लगे होंगे। वही खाना वही अगर आप पियेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो ऐसा खाना या पीना न लें जिससे आपको बीमारी डेवलप हो। आप खाना जो अगर आप लोग यहाँ पे 8 बजे का अस्पताल है या 10 बजे का घर से निकलते हैं तो ये शेड्यूल रखिए, 8 AM, 2 PM, 8 PM, 8 to 8 वाला रखिए, यानी सुबह 8 बजे खाना खा करके आइए आप लोग घर के। या आप पराठा सब्जी, पूड़ी नहीं, पूड़ी वैसा ही हो गया जैसे किसी को सर्दी में नहाने के लिए कह दिया जाए ठंडे पानी से, वो ठंडे पानी से नहा नहीं पाएगा लेकिन गर्म टावल ठंडे पानी में डुबो करके टावल से देह पोंछ लेगा। तो पराठा वगैरह हल्का सा देसी घी का आप ले सकती हो, किसी दिन पराठा सब्जी, किसी दिन रोटी सब्जी और किसी दिन दलिया, किसी दिन और चीज़ें आप ले सकते हो, उबले चने वगैरह उसमें टमाटर प्याज डाल करके। तो सुबह से लेकर के दोपहर तक उसके लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, 8 बजे से 2 बजे तक। या तो आप घर पे अगर हैं तो घर पे आपको काम करने में, या अगर घर में आपसी लड़ाई झगड़ा आप लोग करते हों तो उसमें एनर्जी का वेस्टेज होगा, या अगर यहाँ पे आकर के आप टीकाकरण के लिए बाहर जा रही हैं तो वहाँ पे भी आपकी एनर्जी की वेस्टेज। इस समय यानी कि आपको ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो सुबह आप लोग बिस्किट या जलेबी समोसा कुछ खा करके चले जाती हो और 2 बजे तक पहुंचने में आपको दिक्कत हो जाती है। तो आप खाना खा लेती हो 11 बजे के आसपास, उस समय गैस्ट्रिक फाइल स्टिमुलेट नहीं होगी, स्टिमुलेट नहीं होगी इम्प्रॉपर डाइजेशन होगा, इम्प्रॉपर डाइजेशन होगा फिर उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, कुल मिला करके नई बीमारियाँ तैयार हो जाएंगी। तो सुबह ऐसा खाना लीजिए, सुबह आपको 3 से 4 सभी लोग लगभग एडल्ट हैं, 3, 4, 5 रोटी जितनी भी खा सकते हैं या पराठा खा सकते हैं वो खाइए। सब्जियों में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सोया मेथी बथुआ पालक चने का साग और सरसों का साग जो आ रहा है जिसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं यहाँ रूरल एरिया में कि बहुत बेकार, ये तो मैं नहीं खाऊँगी, ये तो मेरी गाय खाती है या बकरी खाती है या भैंस खाती है, और ये भैंस खाती है मैं भी खाऊँगी तो मैं